कहते हैं बड़ा नाम करेगा, पेटा हमारा कुछ ऐसा काम करेगा। और पदम थापा के सुपुत्र शिव थापा वही बेटे हैं जिन्होंने ना तो सिर्फ अपने परिवार का पर पूरे विश्व में भारत का बॉक्सिंग में नाम कमाया है। फिलहाल AIBA वर्ल्ड बॉक्सिंग रैंकिंग में शिवा थापा आते हैं पूरे विश्व में नंबर 3 पर। पर दोस्तों, पूत के पांव तो पालने में ही पता लग जाते हैं। और तभी तो 2012 में वो बन गए इंडिया के सबसे यंगेस्ट प्लेयर टू क्वालिफाई फॉर द ओलंपिक्स। कट टू 2013 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में उन्होंने जीता एक और गोल्ड। लेकिन जैसे सारे दिन एक जैसे नहीं होते, 2013 में शिव थापा की लाइफ में आई एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी। 2013 में उन पे लगे ड्रग अब्यूज के एलिगेशंस, लेकिन ये एलिगेशंस झूठे साबित हुए तो शिव थापा की जर्नी वहाँ नहीं रुकी। उसके बाद आते हैं 2016 में, जब वो एक लौते ऐसे इंडियन बॉक्सर बने जिन्होंने ओलंपिक्स में अपना एक बर्थ बुक किया। और उसके बाद उनका नेक्स्ट बड़ा अचीवमेंट 2019 में, जब उन्होंने एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जीता एक ब्रॉन्ज। माइक टाइसन को अपना गुरु मानने वाले शिवा थापा अब दिखने वाले हैं कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में। आपका क्या ओपिनियन है? क्या शिव थापा इस बार फिर इंडिया का नाम ऊंचा कर पाएंगे? क्या वो इंडिया के लिए एक गोल्ड ला पाएंगे? अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी ओपिनियन है तो जाके उसे प्रोबो पे शेयर करो।